जनपद संभल के थाना बनियाढेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गो तस्करों का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुठभेड़ में चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चार गोवंश पशु काटने के उपकरण, 9 किलो डोडा चूर्ण व अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि बनियाढेर थाना पुलिस ने चार लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनमें एक व्यक्ति रामपुर का रहने वाला है, तीन व्यक्ति जनपद अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनके नाम वसीम, करतार, मूलाराम व सुनील है। इनके द्वारा गायों की तस्करी करके कटान के लिए भेजा जा रहा था। एक सफारी गाड़ी में चार गोवंश पशु बरामद किए, साथ में राजस्थान से लाकर पशुओं को बांधकर रखा था। लगभग 100 पशुओं को गौशाला भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन लोगों के पास से डोडा चूर्ण, अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। ये लोग राजस्थान से कुछ निष्प्रयोग पशुओं को लाते हैं, जिनको लाकर लोकल कसाई को बेच देते हैं। इनमें एक जनपद रामपुर के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है व तीन अन्य लोग राजस्थान से पशुओं को लाए थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी फरार है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आज थाना बनियाढेर की पुलिस के द्वारा चार लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इसमें एक व्यक्ति रामपुर का रहने वाला व तीन व्यक्ति जनपद अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके नाम वसीम, करतार, मूलाराम और सुनील हैं। इन लोगों के द्वारा गायों की तस्करी करके उनके कटान के लिए उन्हें भेजा जा रहा था। इनके पास से एक सफारी गाड़ी में चार गौवंशीय पशु बरामद किए गए, साथ में इन लोगों ने राजस्थान से लाकर काफ़ी बड़ी संख्या में पशुओं को यहां पर बांध कर रखा हुआ था। उनको अवमुक्त कराकर गौशाला भेजा गया। लगभग 100 पशुओं को आज गौशाला में दाखिल कराया गया है। इसके अतिरिक्त इन लोगों के पास में से डोडा और हथियार, अवैध हथियार मिले हैं, उसको बरामद किया गया है। इन चारों लोगों का गिरोह, इन लोगों का वर्क करने का तरीका इस तरह से है कि ये लोग राजस्थान से कुछ पशुओं को लाते हैं, जो निष्प्रयोग जो होते हैं उनको यहाँ पर लोकल जो कटान करने वाले कसाई हैं उनको बेच देते हैं। तो इस प्रकार के एक व्यक्ति को रामपुर वाले को गिरफ्तार किया गया है और तीन लोग जो इस गायों को लेकर आए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जो इसमें अभी फरार है, उसका नाम वकील है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है और इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी टीम को मेरी तरफ से इस कार्य के लिए 5,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की गई है। धन्यवाद।